हत्या के मामले में फंसे निर्दोष पति को बचाने के लिए पत्नी ने लिखित आवेदन देकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लूरक यादव के हुए हत्या मामले में सुबोध यादव की पत्नी श्वेता कुमारी ने पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक को आवेदन देकर अपने पति को निर्दोष बताते हुए कहा कि मृतक लूरक यादव और मेरे पति के बीच अच्छा संबंध था। आज लूरक यादव जीवित रहते तो मेरे पति पर आरोप नहीं लगता। इन्होंने कहा कि मेरे पति को राजनीतिक साजिश के तहत हत्या के आरोप में फंसाया जा रहा है। श्वेता कुमारी ने कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि खगड़िया पुलिस कप्तान से अवश्य न्याय मिलेगा और मेरे पति सुबोध यादव को जांचोपरांत आरोप मुक्त किया जाएगा। लूरक यादव रहता अगर जिंदा तो मेरे पति को नाम भी नहीं देता सुबोध यादव के। कह सकते हैं हमको उससे पूरे दुश्मनी था। दिसंबर में 20 तारीख के 6:30 बजे लूरक यादव को मर्डर हुआ था, जिसमें मेरे पति को फंसाया जा रहा है कि इसी अथी किया है। हमको उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अथी नहीं है। हम DSP साहब से चाहते हैं कि इस पर जांच करा जाए। मेरे पति को घर में थे, सीसी कैमरा के पास थे, बैठे थे। आधा घंटा पहले वो भी आया था रूलक यादव भी, कि कहा कि मिलिए प्रमुख साहब, हम आपसे मिलेंगे तब जाएंगे यहाँ से। तुम मिलने के लिए अंदर आए, नाश्ता पानी किए, तब यहाँ से निकले। नहीं, मुझसे कोई दुश्मनी था, उसको सिर्फ फलट जाता उससे दुश्मनी था। क्या दुश्मनी था उसको? दोनों दुश्मनी था। पहले उसके भाई का मर्डर हुआ था तो शक पर उसको कि आप ही मेरे भाई को मारे, तो उस शक पर उसको बाप को मारा। फिर